हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है अगेन सैटरडे। सो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ फॉर अ चेंज। लास्ट वीक भी कोई व्लॉग नहीं किया था, बट एक्चुअली ना अभी इतना यहाँ पे बारिश हो रही है ना पुणे में कि कहीं जाना नहीं हो रहा, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है एक्साइटिंग, तो मुझे लगता है कि क्या व्लॉग करूँ मैं। बट एनीवे आज हम व्लॉग कर रहे हैं। आज का प्लान अगेन पता नहीं मुझे क्या होने वाला है, बिकॉज स्टिल इट इज़ रेनिंग लाइक वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा बारिश है। सो बाहर जाने का तो आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है, तो घर पे ही कुछ कुछ करेंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं आज। तो चलिए, बट अभी हो गई है गुड मॉर्निंग हमारी। आज ना मेरे को मॉर्निंग में जिम जाना था, बट मैं नहीं गई, बस थोड़ा आलस हो गया इसलिए नहीं गई। बट एनीवे शाम में जाएंगे प्रोबेबली, अगर बारिश नहीं हुई तो। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। पहले अभी तो मैं बस अभी शावर लेने से पहले थोड़ा अपना स्किन पैम्पर करने वाली हूँ, बिकॉज थैंक्स टू मॉनसून माय स्किन इज़ लाइक गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, अ लॉट। इसीलिए ना मेरे कोई मेकअप वीडियो भी नहीं आ रहा है यूट्यूब पे या इवन इंस्टा पे भी नहीं आ रहा है फिलहाल तो, बिकॉज आई एम नॉट पुटिंग एनी मेकअप व्हाटसो एवर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट आई एम गोइंग थ्रू। मुझे लगता है कि पहले ये हील हो जाए मेकअप से और वर्स हो जाएगी, इसीलिए आई एम लाइक ओके लेट इट बी। बट शायद आज मुझे मेकअप करना पड़े, बिकॉज आज मुझे कुछ शूट करना है यूट्यूब के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी। लेट्स सी हाउ दैट गोज। चलिए एनीवे फिलहाल आज का दिन स्टार्ट करते हैं एंड अपना स्किन पैम्पर करते हैं। ओके सो फेस वॉश डन। अभी ना मैं मास्क यूज़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। सो आज ना मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का ऑप्टन फेस मास्क। इसके बारे में काफ़ी अच्छा अच्छा सुना है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया है एंड दिस इज़ अ ट्रायल साइज जो मैंने लिया था आई गेस मेरे शिमिटन हॉल में। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं हाउ दिस रियली वर्क्स। चलो जी, ये अप्लाई हो गया है, काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है एंड द स्मेल इज़ टिपिकल उपटन वाली जो आती है ना, वो बेसन के उपटन की वैसी ही स्मेल है। सो यस, लेट्स सी कैसा काम करता है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। वेलकम बैक गाइज। सो अभी सब कुछ हो गया है, शावर टेकन, ब्रेकफास्ट डन, अभी आई एम रेडी टू गो आउट। देखा मैंने बोला था ना प्लान बन जाएगा। बारिश टचवुड आज बंद हो गई है एंड हल्की हल्की सी धूप भी निकल आई है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आप लोगों को साथ ही लेके जाऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से रेडी होते हैं एंड निकलते हैं। चलिए गाइस, वी आर ऑल सेट, निकलते हैं। पहले मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ फ्रेंड से, क्योंकि उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं। हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त एकदम। चले हाय आयश, पैसे देने या नहीं देने? हेलो पूजा जी, पैसे नहीं देने ना। हेलो आयश, वैसे आयश ने पहले भी हेलो किया है। एनीबॉडी फॉर जलेबीज? अरे वो नई दीन आजा चली है, पुरानी वाली है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली खड़कवासला डैम वाला है, तो उसमें लगेगा टाइम एक घंटा। तब तक हम लोग थोड़ा सा स्नैकिंग करते हैं एंड अपना रास्ता देखते हैं। वी आर, आप लोग को दिखाती हूं। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग ना खाते पीते घर वापस आ गए, फ्रेंड्स अपने घर गए, हम अपने घर में बैठे हैं। अभी आज का प्लान में और कुछ नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। थक भी गए, काफ़ी लंबा था, दूर था यहाँ से जाना, इट वाज लाइक 25 किलोमीटर्स और सो, थोड़ा दूर भी था। तो या दैट्स अबाउट इट। चलिए देखते हैं और क्या करते हैं आज के दिन में। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? पैटी पैटी चाय पैटी। हाय गाइस, वेलकम बैक। अब हो गया नेक्स्ट डे यानी कि संडे।
मैं कल और भी कुछ व्लॉग नहीं कर पाई, हालांकि मैं शाम में भी कहीं गई थी बट कुछ व्लॉग नहीं किया। बट एनीवे अभी वैसे तो अभी दोपहर हो रही है बट मैंने जस्ट अभी शार लिया है एंड वी हैव सम गेस्ट कमिंग ओवर। सो गाइज, जैसे मैंने बोला था गेस्ट आने वाले हैं तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ स्नैक टाइप की प्रेप कर ली जाए। मौसम बहुत अच्छा है, मानसून है, बारिश चल रही है, तो इसीलिए मैं बनाने वाली हूँ आज एक पकौड़े जो है डिफरेंट टाइप के, जो शायद मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, मैंने कभी यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं देखे हैं। वो मेरी मम्मी की फ्रेंड की रेसिपी है जिनसे हमने खुद भी सीखा पहले, मेरी मम्मी ने और मैंने उनसे, तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो चलिए, मैंने इंग्रेडिएंट रेडी कर लिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। ओके, सो हमको चाहिए यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस, तो यहाँ मैंने अभी लिए हैं 4। उसके बाद हमको चाहिए एक रफली चॉप्ड आलू, ये ना मैंने रॉ आलू लिया है, कच्चा आलू है ये, बट मैंने इसको रफली छोटा छोटा चक काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए 1 अनियन, अगेन रफली चॉप्ड। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रखा है मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए। सो आप लोग ने मेरे वीडियोज़ में हमेशा मस्टर्ड ऑयल या घी ही देखेंगे बिकॉज आई नेवर यूज़ रिफाइंड ऑयल, हमेशा मैं बस मस्टर्ड ऑयल या घी ही यूज़ करती हूँ, सो इसलिए मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद हमको चाहिए बेसन एंड कुछ मसाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ हाउ इट्स गोना मेक। तो सबसे पहले हम इस बड़े से बर्तन में डालेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स एंड मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने अबाउट 3 टेबलस्पून ऑफ बेसन लिया है, अगर लगेगा तो बाद में और हम ऐड कर लेंगे बट फिलहाल इतना ही। एंड यहाँ मसाले में ना हमको सिर्फ चाहिए अजवाइन थोड़ी सी एंड लाल मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है एंड मेरी ये कलर वाली है तो इसीलिए, एंड और मसाले इसमें से नहीं डालने हैं। एंड नाउ जस्ट द सॉल्ट, सॉल्ट आप स्वाद अनुसार कर लीजिएगा, बाय द वे मेरा ये रॉक सॉल्ट है इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं नॉट रॉक सॉल्ट, इट्स हिमालयन सॉल्ट। चलिए, सो दिस इज देयर। एंड यहाँ पे हम अपने ब्रेड स्लाइसेस को ना थोड़ा सा कट कर लेते हैं छोटे पीसेस में, सो दैट हमको इसको फ्राई करने में आसानी रहेगी। आई यूजली कट इन 4 बिकॉज छोटे छोटे पीस रहते हैं, 1 बाइट साइज तो नहीं बट हाँ मतलब सिंगल हैंडेडली आप इसको पिकअप कर सकते हो एंड इट्स ईजी टू कुक ऑल्सो। चले, हमारा ब्रेड स्लाइस डन, ये ऐसे हो गए हैं। आप चाहो तो एंड्स काट सकते हो बट मैं एंड्स वेस्ट करना नहीं पसंद करती इसलिए मैं नहीं काटती हूँ। एंड यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अपने ये आलू और प्याज। एंड इसको भी एक मिक्स देंगे जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि हमको कितना पानी डालना है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड वाटर। एंड जब तक हमने अपना तेल को ना गर्म होने रख दिया है, जब तक हमारा मिक्सचर रेडी होता है हमारा तेल गर्म हो जाएगा। एंड नाउ आई फील कि हमारा जो बेसन है वो कम है तो इसीलिए यहाँ पे मैं बेसन और ऐड कर लूँगी। टू मोर स्पून्स एंड सम मोर वाटर। यस, नाउ यू कैन सी कि इट्स रेडी। इट्स ऐसी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। चलिए, हमारा ऑयल भी यहाँ पे एकदम मस्त गर्म हो चुका है, धुआं दे रहा है एंड इट्स रेडी टू गो। तो हमको क्या करना है, बस हमारा ब्रेड लेना है, इसमें डिप करना है एंड थोड़ा सा जो हमारा आलू है उसका प्याज का बैटर है उसको उसके ऊपर लेना है एंड जस्ट ड्रॉप वेरी स्लोली और थोड़ा पास से, नहीं तो ऊपर उठ के ऑयल आएगा, इसीलिए ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं जल चुकी हूँ इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। When I was new to cooking, तब मेरे साथ बहुत एक्सीडेंट हुए हैं जलने वाले।
एंड इस पॉइंट पे आप अपना जो गैस का इस पॉइंट पे आप अपनी गैस को मीडियम कर सकते हैं, बट नॉट हाई बिकॉज ये बहुत जल्दी कुक होगा। बेसन और ब्रेड है और लेकिन हमको हमारे आलू को कच्चा नहीं छोड़ना है, उसको भी पूरा पकाना है, इसीलिए इसको आराम आराम से ही पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो गैस मस्त एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है मेरा जो पकौड़ा है दोनों साइड से। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक दीज आउट, ऑयल से निकालते हैं इनको बाहर। ऑल राइट गाइस, माई पकौड़ाज आर रेडी टू बी सर्व्ड हियर। ये है मेरी धनिया की चटनी, एकदम फ्रेश पीसी है इसलिए एकदम इसलिए ग्रीन ग्रीन है। देयर इज द केचप एंड माई प्लेट इज रेडी। माई स्नैक, यमी यमी स्नैक इज जस्ट रेडी टू हैव। तो चलिए बस अभी चाय बनाएंगे एंड इसको इंजॉय करेंगे। मानसून में आप भी इसको इंजॉय कर सकते हो, बहुत इजी है बनाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा कुछ हासिल भी नहीं है कि कुछ और बनाने जाओ। पहले नॉर्मल ब्रेड पकौड़ा बनाओ तो आलू बॉयल करना पड़ता है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है इसमें। इट्स सो ईजी, डेफिनेटली ट्राई दिस एंड इट्स सो यमी। तो चलिए दैट्स अबाउट दिस कुकिंग रेसिपी एंड यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी एंड करती हूँ गाइज, बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है इसीलिए। तो यस, आपको कैसा लगा मेरा ये वाला व्लॉग, थोड़ा हेयर एंड देयर था एंड माई रेसिपी, वो मुझे आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी पोस्ट कर सकते हो कमेंट में, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगी। या चलिए, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। यू गाइज टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय एंड एंजॉय दिस रेसिपी ऑल्सो गाइज़।